देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने प्लांटिया किंगडम के बारे में बात करी थी। इसमें हम एनिमेलिया किंगडम के बारे में बात करेंगे। ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर एंड हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स कम अंडर दिस कैटेगरी। सभी यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है, मल्टीसेल्यूलर होंगे एंड आपके हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स होंगे जो इस कैटेगरी में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे लैक सेल वॉल। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। मोस्ट ऑफ देम शो मोबिलिटी। मैक्सिमम इनमें सब क्या मोबिलिटी शो करते हैं। किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फाइलास व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कौन कौन से फाइला हैं? पॉरीफेरा, पोलेंडेराटा, ठीक है, आपका टेनोफोरा, ठीक है, प्लैटिहेलमिंथस, आपका स्क्लेमेंथस, आपका एनिलिडिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, एक्नोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड देन कोडाटा। आप इनको इसी सीरीज में याद करेंगे। क्लियर? इसी सीक्वेंस में आपको ये याद करना है, क्योंकि इनमें बहुत सारे आप देखोगे ना कि कुछ आपके यूनिसेल्युलर हैं, कुछ आपके सेल्युलर बेसिस में, कुछ टिश्यूकल बेसिस में, किसी में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर तरीके से, सिस्टम्स डिवाइडेड है, उन सब के बेसिस पे आपको इसी सीक्वेंस में इनको याद करना है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। नेक्स्ट आ रहा है आपका पोरीफेरा। दे आर पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। इनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। इनको हम स्पंजेस बोलते हैं। द फूड ऑक्सीजन एटसेट्रा रीचेस टू द बॉडी बाय वाटर करंट थ्रू द होल्स। जैसे ही वाटर इनके अंदर से पास होगा तो ये वाटर में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनको इनकी बॉडी को चाहिए, फूड्स हैं, फूड है या फिर आपका ऑक्सीजन है, ये सब इसी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, वाटर करंट के थ्रू। नेक्स्ट आ रहा है आपका कोलेंडेराटा। ठीक है, दे आर एक्वेटिक एनिमल दैट कैन ईदर नॉन मोटाइल और फ्री स्विमिंग। ठीक है, जो आपके फ्रीली स्विमिंग करते हैं, इस टाइप के एनिमल्स इसमें आते हैं। दे गॉट नेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड आपका सिंडोब्लास्ट, या फिर इनको सिंडोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इन्हीं की इनकी वजह से जिस जेलीफिश हैं ये आपको दिख रहे हैं, इन सेल्स की वजह से इनको अलग से नाम दिया है। नेक्स्ट आ रहा है आपका टेनोफोर। इसमें क्या होता है, इनको आप कॉम्ब जेलीज या फिर आपका एक्सक्लूसिव मराइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू इमिट लाइट। ठीक है, ये बायोल्यूमिनिसेंस होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका प्लैटिहेलमिंथस। प्लैटिहेलमिंथस क्या होते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज प्लेटफॉर्म एज दे हैव फ्लैटेंड बॉडी। इनकी चपटी बॉडी रहती है, ठीक है, इसीलिए इनको फ्लैटफॉर्म्स कहते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन इंडो पैरासाइटिस। ठीक है, ये आपके इंडो पैरासाइटिस में मिलते हैं, आपके एनिमल्स की बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, आपका टेप वॉर्म जो आपके ह्यूमन बॉडीज में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्लेमेंथस। दे आर ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म एज दे देयर क्रॉस सेक्शन आर राउंडेड इन शेप। इनको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं क्योंकि इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो राउंड शेप में होता है। दे कैन बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ठीक है, ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, आपके पानी में भी मिल सकते हैं, आपके वो आपके लैंड पे भी मिल सकते हैं, ये फ्रीली लिव भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ये दूसरे और ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट इज योर एनिलिडा। एनिलिडा मे बी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, ये जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू मैनी सेगमेंट, ये मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइडेड होती है एंड दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। इस टाइप का जो सेगमेंट में जो डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इज अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका आर्थ्रोपोडा। दे आर द लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल, ये बड़े बड़े ग्रुप, बड़ा ग्रुप होता है एनिमल्स का। दे शो सेगमेंटेशन इन देयर बॉडी, ये भी आपकी बॉडी में उनकी बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट लैग। इसका जो स्पेशलाइज्ड फीचर है उसमें क्या होगा, जो लेग है वो जॉइंटेड होंगे। ठीक है, प्रॉन्स एंड बटरफ्लाइज आर द एग्जाम्पल ऑफ। नेक्स्ट इज योर मोलस्का। दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट फाइला ऑफ द एनिमल किंगडम, सेकेंड लार्जेस्ट है। दे कैन बी टेरेस्ट्रियल एंड मराइन और फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस एंड स्नेल्स। क्लियर?
नेक्स्ट आ रहा है आपका इक्विनोडर्मेटा। इक्विनोडर्मेटा में क्या होता है, स्पाइनी स्किन होगी इन ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। और बेसिकली बेसिकली आपके क्या होंगे, मराइन एनिमल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल योर स्टार फिश, ये देख रहे हो स्पाइनी कांटीली, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका हेमिकोडाटा। दिस ग्रुप इंक्लूड वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स, ठीक है। ये वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज योर कोरडाटा। द ऑर्गेनिज्म अंडर दिस फाइलम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। मतलब जो फ्लेक्सिबल रॉड होती है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये पहचाने जाते हैं। विच लेटर डेवलप्ड इंटू वर्टिब्रल कॉलम, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गई थी, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नोटोकॉर्ड अपीयर्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इन एडल्ट इट कन्वर्ट टू बैक, ठीक है। नॉन कोड डाटा जो रहते हैं, नॉन कोड जो आपका नॉट कोड रहता है, वो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब वो एम्ब्रियो फॉर्म में रहता है, उसमें अपीयर होती है, और जैसे ही वो आपके एडल्ट में कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो, वो आपकी बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है आपकी नॉट कोड, ठीक है। ये देखिए कोड डाटा के अंदर आपकी ये क्लास आते हैं, जैसे इसमें आपका पिसेस आता है, आपका एम्फीबियंस आता है, रेप्टाइल आता है, आपका एव्स आते हैं, आपका ममेलिया आता है, ये सारे इसी फाइलम के अंदर आते हैं। और हम किस में आते हैं, ठीक है, ये आपकी टेबल है जिसमें 5 के 5 किंगडम्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। उनका सेल टाइप क्या होगा, मीन्स प्रोकैरियोटिक होंगे या फिर वो यूकैरियोटिक होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी, प्रेजेंट होगी तो किससे मिलके बनी होगी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो आपके प्रेजेंट है, तो जो आपके फंगी होते हैं उनमें चिटिन से मिलके बनी होती है, जबकि प्लांट्स में अगर हम बात करें तो सेल्यूलो से मिलके बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो किसमें प्रेजेंट होगी और किसमें एब्सेंट होगी, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूनिसेल्युलर होगा या मल्टी सेल्युलर होगा, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ऑटोट्रॉपिक टाइप का आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा या हेटरोट्रॉपिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से ही चैप्टर ऑलमोस्ट आपका फिनिश होता है। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी अच्छी अच्छी चीज आपके लिए लेके आ सकूँ, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे, और वीडियोस को पूरा देखा करिए, ताकि इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, आपका कोई भी सेक्शन ऐसे छूटे नहीं, ठीक है। पसंद आ रहा है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन ऑल्सो यूटिलाइज दीज वीडियोज, ठीक है। बाय बाय।